दुनिया के रहन बसेरे में कौन कब तक के रहना है, एक दिन तो सभी को जाना है, ऐसा जीवन का कहना है। तो इसलिए मेरा आप सभी से ये संदेश है कि जब जाना ही जरूरी है तो हमें इस दुनिया में जीना किस तरह है, किस बात के ऊपर विचार करना है, तो मतलब साफ है, अर्थ बिल्कुल साफ है कि हमको सब एक दूसरे से मोहब्बत से रहना है, ये हमें बताता है। तो मैं मुकेश दुबे के को यूं चंद लाइन समर्पित करता हूं कि धन्य धन्य तेरे मात पिता, धन्य तेरे मात पिता, और धन्य ऐसे दाम को जन्म दिया मैंने, स्ट्रांगली स्ट्रांगली स्ट्रांग कैश देवा क्या। तो बहुत अच्छी बात है साथियों कि हर किसी को सब चीज नसीब नहीं होता है। कहते हैं कि मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है, है? मिट्टी के घड़े की शोभा ठंडे पानी से होती है और उसकी लहरों की शोभा समुद्र की रवानी से होती है। और व्यक्ति की शोभा उसके कला और जज्बात से होती है, ऐसा हर बच्चे हर व्यक्ति के नसीब में नहीं होता, ऐसे जन्म तो हमारे मुकेश धुवे के इसमें वो कला थी। आज भले ही वो हमारे बीच में नहीं है लेकिन उसकी कला आज भी हमारे बीच में जिंदी है। तो मैं तमाम युवा साथियों से कहता हूं कि भले ही मुकेश हमारे बीच में नहीं है लेकिन और भी जो है मुकेश बन सकते हैं ताकि हमारा आदिवासी समाज गर्व से ऊपर उठ करके जो है उसको सेवा द्वार कह सके, ऐसी आशा मैं आप तमाम युवाओं से करता हूं। मेरा एक श्रद्धांजलि था क्योंकि मैं वीर रस का आदि हूं, वीर रस का आदि हूं, श्रृंगार रस का नहीं। श्रृंगार रस में हमारी महिलाओं के लिए रहता है, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो वीर रस का आदि हूं। 15 अगस्त आजादी का दिन और आज 15 अगस्त 1947 आज हम मना रहे हैं आजादी का दिन। ये आप सभी को जो है उसकी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। साथियों चंद लाइन कहता हूँ, ज्यादा नहीं क्योंकि समय का अभाव है। मेरे बंधु आदिवासी समाज जो स्वतंत्रता की लड़ाई है ये बड़े गर्व की बात है, लोग कुछ भी कहे और इतिहास कुछ भी बताए मैं मानने को तैयार नहीं। आदिवासी समाज ने जो लड़ाई लड़ी है, 1857 में पहले क्रांति हुई थी ये कहते हैं, है? लेकिन 1855 में ही हमारा आदिवासी समाज ने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई और हक अधिकार की लड़ाई लड़ी थी, समझे? इसलिए हम आदिवासी समाज को बड़े गर्व करना चाहिए। और एक नहीं दो तरह की लड़ाई लड़ी, कैसी? हमारा समाज जो है अक्सर पहाड़ों और नदियों और जंगलों के किनारे में निवास करता है और वो अपने जीविका चलाने के लिए जंगल और खेती पर निर्भर रहता है। तो उस टाइम क्या होता था कि संपूर्ण क्षेत्र जो है वन से आच्छादित था, तो हमारे जो है
नदी अगर पीछा मुंडा अगर ये दलदल जमीन के लिए लड़ा न होता तो आज आदिवासियों के पास रहना बैठने के लिए जमीन भी नहीं होती। तो ये हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसे आदिवासी समाज में ऐसे नर पुरुष का जन्म होता है और समाज को जो है ये जमीन दे करके जाता है। लेकिन हम लोग जो है उसको कहां तक कायम रख सकते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। दूसरा, जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब अंबेडकर नहीं होते तो हमें जो हर फटे होने से आज हर जगह हर समय हमारे पिछवाड़े पे लात मारा जाता है लेकिन इस बात का कोई विचार नहीं किया जाता है। मैं तमाम एससी ओबीसी माइनॉरिटी कन्वर्टेड ईसाई आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप लोग एक होकर के अपने संविधान के दायरे में रह करके अपने हक और अधिकार की लड़ाई करें, वरना समय बड़ा गंभीर है, आने वाला समय बड़ा चिंता का है। क्योंकि आज तक जो है तमाम नौकरियां और सब कुछ गायब हो चुकी, यहाँ तक कि शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई है कि हम हमारे बच्चों को जो है ना अच्छी शिक्षा भी नहीं दे सकते। इसलिए कैसी आशा कर सकते हैं कि पढ़ लिख करके मेरा बच्चा तहसीलदार या कलेक्टर बन जाएगा, ये हो सकता है? इम्पॉसिबल, असंभव। इसलिए आप सभी को जो है इन तमाम लोगों को एकजुट होकर के अपने अधिकार के लिए लड़े ताकि जो है कम से कम जो है ना एक सुरक्षित जीवन जी सकेंगे, वरना बड़ा मुश्किल है क्योंकि पॉपुलेशन का दबाव है और दूसरा जमीन कम पड़ती जा रही है। आप सबको समझते ये है कि मैं तो पटेल हूँ गांव का और पटेल हूँ घर का। 15-20 एकड़ जमीन है, आने वाली 3 पीढ़ी के बाद जो है ना 40-20 जमीन रह जाएगी। समझे? जिस जमीन से